अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रिजवान और आज हमने बनाई है देगी चिकन बिरयानी। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही मज़ेदार तैयार होती है और इसे हर कोई बहुत आसानी से बना सकता है। तो आइए देखते हैं ये लजीज देगी बिरयानी हमने किस तरह तैयार की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक पतीले में हमने 200 ग्राम घी या कुकिंग ऑयल गर्म करना है। इसमें 200 ग्राम कटा हुआ प्याज शामिल करेंगे। इसको इतना फ्राई करेंगे कि हमारे प्याज के किनारे हल्के हल्के ब्राउन हो जाएं। प्याज के किनारे ब्राउन हो चुके हैं, अब इसमें हम शामिल करेंगे करीब एक पाव कटे हुए टमाटर। इस तरह हमने मोटे मोटे काटने हैं। इसके साथ इसमें 3 चम्मच पिसा हुआ अदरक और लहसुन शामिल करेंगे। 3-4 चम्मच कटी हुई सब्ज़ मिर्चें शामिल करेंगे। अब इसको दरमियानी आंच पर इतना पकाएंगे कि हमारे टमाटर 50% तक नरम हो जाएं। इसके साथ कुछ मसाले लेंगे, जिसमें शामिल है 3 चम्मच नमक, 2 चम्मच पिसी हुई सुरख मिर्च, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया, 1 चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा, 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला और करीब 1/2 चम्मच हल्दी, 2 अदद बड़ी इलायची, 4 अदद छोटी इलायची, 10-12 लौंग लेंगे, 1/2 चम्मच काली मिर्च, 2 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1 अदद तेज़पात और 2 अदद बादियान के फूल, थोड़ी सी जायफल और थोड़ी सी जावित्री लेंगे। टमाटर हमारे नरम हो चुके हैं, अब इस मौका पर इसमें शामिल करेंगे करीब 100 ग्राम दही और ये अपने मसाले इसमें शामिल कर देंगे। पांच छह कतरे इसमें केवड़ा एसेंस शामिल करेंगे। तकरीबन 2 लीटर हम इसमें पानी शामिल कर रहे हैं। इसको एक बार मिक्स कर लेते हैं। इसके साथ इसमें करीब 1 किलो चिकन शामिल करेंगे। चिकन शामिल करने के बाद इसका ढक्कन लगा देंगे और इसको हम करीब 5 मिनट तक उबलने के लिए रख देंगे। 5 मिनट तक हमने अपने मसाले और चिकन को उबाला है और इसके बाद हम इसमें 1 किलो चावल शामिल कर रहे हैं, जिनको हमने अच्छे तरीके से धो लिया था, फिर 1/2 घंटे के लिए भिगो दिया था। अब ये चावल भी इसमें शामिल कर देंगे। एक बार इसमें चम्मच चलाएंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे। चावल हमारे बहुत अच्छे तरीके से पक रहे हैं, इसका पानी भी खुशक होता जा रहा है। चावल हमारे दम लगने के करीब पहुंच चुके हैं। अब इसमें थोड़ा सा जर्दा रंग का छिड़काव करेंगे और अपने चावलों को हम दम लगा कर रख देंगे। करीब 15 मिनट हमने दम लगाया था और चावल हमारे बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो चुके हैं। अब इसको एक बार मिक्स कर लेते हैं और लीजिए जनाब, हमारी बहुत ही मज़ेदार देगी चिकन बिरयानी बहुत आसानी से तैयार हो चुकी है। बहुत ही लजीज तैयार होती है। आप इसे बनाएं और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।